नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। आइडियली हो फ्रेंड्स के आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स के बाद, बाल धोने के बाद कब पति से संबंध में आना है जिससे कि आपको गर्भधारण हो जाए। हर महिला को यही लगता है कि पीरियड्स ख़त्म होगा तो मैं पीरियड्स ख़त्म होते ही रिलेशन बनाऊं, या फिर मुझे हर वीडियो में कहा जाता है कि आप थोड़े दिन तक इंतज़ार करें, 9 से 10 दिन तक वेट करिए, उसके बाद में रिलेशन में रहिए। तो एग्जैक्टली करना क्या है? और हर महिला का पीरियड एक समान तो होता नहीं है। किसी का पीरियड्स जो है 4 से 5 दिन चलता है और किसी का पीरियड्स तो 2 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। वैसे ही किसी महिला के पीरियड साइकिल की जो अवधि होती है, लेंथ होती है, वो 28 दिन की होती है, किसी की 30 दिन की होती है। ऐसे अलग अलग भी आपकी अवधि हो सकती है। कई महिलाओं के तो जिस डेट को पीरियड इस बार आई थी, अगले बार उस डेट को आती ही नहीं है। तो अब जब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उलझन है, तो करना क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात को ध्यान में ये रखना है कि आप जितनी भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो उसमें एक बात आपको बताया जाता है कि हेल्दी पीरियड साइकिल है तो इस दिन संबंध बना लो। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है जबकि आपके पीरियड्स कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं या फिर इनरेगुलर है, तो क्या करना चाहिए? वो महिलाएं क्या करेंगी? उनको तो 10वें दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी तो नहीं रुकेगी ना। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि जिस दिन पीरियड्स आपका चालू हुआ है, तो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार जिस दिन आपका पीरियड्स चालू होता है, तो उसके बाद जितने दिन तक फ्लो आता है, फ्लो इट मीन्स कि हैवी फ्लो, तो 2 से 3 दिन तक आता ही आता है अगर आपको 5 दिन या 6 दिन भी पीरियड्स आते हैं। तो इस वजह से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन जब आपको फ्लो अच्छे से आता है, तो तीसरे दिन या तीसरा दिन समाप्त होने के बाद ही आप अपना सर धो सकती हैं। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि 3 दिन तक आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि एक तो फ्लो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है और गर्मी अपने आप पैदा करता है आपका शरीर, ताकि वो गंदगी, अशुद्धि जितनी भी आपके गर्भाशय में थी, वो सब कुछ को बाहर कर दे और वो साफ़ सफाई से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दोबारा अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी करे। इसके अलावा दूसरा काम आपका शरीर ये करता है कि जिस दिन पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस दिन आपके गर्भाशय में ही 2 अंडे बनाने की मशीन भी लगी होती है, जिसे ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो इसमें से 1 अंडाशय एक्टिव हो जाता है। इसलिए होता है फ्रेंड्स कि 1 अंडाशय से अब इस महीने अंडे को बाहर निकालना है। तो अंडे को धीरे धीरे पकने में टाइम लगता है, लेकिन वो जिस दिन पीरियड का अच्छा फ्लो स्टार्ट हुआ है, डे 1, उसी दिन किसी भी समय से शुरू हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हॉर्मोन्स के बढ़ने या घटने की वजह से होती है। तो इस दौरान जब आपके शरीर में एक तरफ तो पीरियड्स जा रहा है, यानी कि आपका जितना कचरा है यूट्रस के अंदर वो साफ हो रहा है, और दूसरा कि आपके यूट्रस के अंदर जो ओवरीज हैं उसमें एग बन रहे हैं। एक जब बनते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें धीरे धीरे करके टोटल जो टाइम लगता है मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, वो 10 से 12 दिन का लग सकता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे सटीक टाइम फ्रेम होता है, अगर मेडिकल रिसर्चेस की माने तो, एक आइडियल जो टाइम होता है वो 12 दिन के बाद ही आता है। क्योंकि कोई भी महिला का जो है शॉर्ट पीरियड साइकिल, बहुत कम परसेंटेज होंगी जिनका आता होगा, वैसे तो 28 दिन या 30 दिन या 32 दिन ऐसे ही साइकिल पीरियड होता है। तो इस वजह से जो 12 दिन के बाद का समय है पीरियड्स के बाद, वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस समय कभी भी अंडा आपके शरीर से बाहर आ सकता है। अब बात करते हैं कि अनियमित पीरियड साइकिल है या पीरियड साइकिल बहुत छोटी है। तो देखिए, बहुत छोटी पीरियड साइकिल है तो इसका मतलब आपका पीरियड साइकिल बहुत छोटा होगा तो भी 20 दिन में आता होगा या 21 दिन में आपको आता ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कैलकुलेशन मेथड बहुत काम करता है। जो ओवुलेशन कैलकुलेशन मेथड है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दूंगी, वहां से क्लिक करके वो वीडियो को आसानी से देख के सीख सकती हैं। क्योंकि छोटी पीरियड साइकिल है तो उनका ओवुलेशन जल्दी होगा। पीरियड्स जिस दिन एंड हो जाएंगे ना, उसके सप्ताह भर बाद से ही ओवुलेशन आपका शुरू हो सकता है। और अगर बहुत लंबी पीरियड साइकिल है, इनरेगुलर पीरियड साइकिल है, दवाई लेने के बाद पीरियड्स आते हैं, या जिस दिन पीरियड जिस डेट को हुआ था स्टार्ट, उससे सप्ताह भर आगे निकल जाता है, फिर अगली बार पीरियड आता है, तो ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पीरियड्स के 14वें दिन से
अगले 15 दिन के अंदर आपको 1-2 दिन छोड़ के रिलेशन बनाते रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलेशन अगर पहले भी बनाया जाए, आपके ओवुलेशन से पहले भी, ओवुलेशन मान लीजिए अंडा आज नहीं निकलने वाला है, 3 दिन बाद ही निकलेगा, और अगर रिलेशन बना लिया है तो आपके पार्टनर का सेल आपकी बॉडी में चला जाएगा और वो जीवित रहता है, और उसको जीने की जो अवधि होती है 3 से 4 दिन की बरकरार रहती है, तो शरीर में घूमता रहता है। जब ओवुलेशन के लिए अंडा बाहर आएगा वैसे ही वो उसमें जाएगा, एंटर करेगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा। और दोस्तों बात करें रेगुलर पीरियड साइकिल की, तो रेगुलर पीरियड साइकिल में बहुत आसान होता है ओवुलेशन निकालना। पीरियड्स 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, तो आपको जो डे वन पीरियड स्टार्ट हुआ है उससे 10 दिन आगे का छोड़ देना है, और उसके बाद के 10 दिन को ही आपको ध्यान में रखना है और उस समय आपको रिलेशन बनाना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ओवुलेशन किट आपने सुनी होगी, ओवुलेशन पे पूरी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगी। अगर आप प्रीवियसली वीडियो में जाकर के देखेंगे तो ओवुलेशन के कई सारे लक्षण मैंने बताए हैं, ओवुलेशन लक्षणों से जान सकते हैं। ओवुलेशन की प्रक्रिया वो होती है जब अंडा आपका निकलता है उस समय में बाहर शरीर से, यानी कि यूट्रस के अंदर, ओवरी से निकलता है, शरीर से बाहर नहीं, यूट्रस के अंदर ये चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स इसके ओवुलेशन होते हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ आपके शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का फ्लैक्चुएशन होता है, तो इस वजह से कुछ सिग्नल उसके मिलते हैं, बॉडी अपने आप उसको नोटिस कर लेती है। अगर ये नोटिस आप नहीं कर पाती हैं तो बहुत आसान है, ओवुलेशन किट का सहारा लीजिए, मदद लीजिए, क्योंकि ओवुलेशन किट द बेस्ट एक आपका ऑप्शन है जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी इसमें यूरिन सैंपल से हॉर्मोन्स की जांच हो जाती है घर बैठे, तो बहुत सुविधाजनक मेथड है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। अब तक ओवुलेशन आपने नहीं प्रेडिक्ट किया ओवुलेशन किट से, तो इस तरह से पीरियड्स के बाद, बाल धोने के बाद रिलेशनशिप में कैसे आना है, कितने दिन बाद आना है, शॉर्ट पीरियड साइकिल, लेंदी पीरियड साइकिल, लॉन्ग पीरियड साइकिल, इनरेगुलर पीरियड साइकिल और रेगुलर पीरियड साइकिल, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी महिलाओं तक शेयर करिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक भी करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।